जवाब दो पुलिस को, हमारे चेहरे पे थोड़े ना लिखा है कि हम गुंडे हैं। वो क्या है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन से याद है तिवारी जी? जी सर। आपकी हर्निया का ऑपरेशन होने वाला था? कानपुर ट्रांसफर से पहले करवा लिए थे सर, आराम है सर। अच्छा जी, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? पब्लिक सेफ्टी छोड़ो उस्ताद, चलो गैलप पकड़ो। माँ की झूठी कसम नहीं खाते, झूठिया सारा। नमस्कार मिस्टर पांडे। सर मिस्टर पांडे, ये जो वारदात हुई है इस बारे में पुलिस का क्या कहना है? वारदात की दास्तान कुछ ऐसी है। शर्मा जी को फोन आया था कि कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। और आपने उन्हें मार दिया? देखिए, हम एक अहिंसावादी थानेदार हैं। गोली तो छोड़िए, हम किसी को गाली तक नहीं बकते। क्यों तिवारी जी? He is there, sir. जी सर, देखिए हमारे सर बड़े ही दयालु हैं। थाने में डंडे का प्रयोग तक वर्जित है। अगर किसी को कंटाप भी मारना हो तो कान बचा कर मारते हैं। मिस्टर पांडे, आगे क्या हुआ? हम लोगों ने घेरा और सरेंडर करने को कहा और उन्होंने हम पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर हमने भी जवाब दिया फायरिंग से। आप उन लोगों को गिरफ्तार भी कर सकते थे, उन्हें मारने की क्या जरूरत थी? पत्रकार महोदया, आप चाहती क्या है?
उनकी गोलियों से हमारे कुछ पुलिस वाले मारे जाते और शर्मा जी कहीं गोली खा के पड़े रहते। उधर शर्मा जी क्या सोच क्या रहे हो जी? ऐसा होने तो नहीं दिया ना हमने जी। जी 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 सर। देखिए पुलिस अगर कम हो जाएगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा? मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ पांडे जी। मेरे ख्याल से इस छोटी सी वारदात के लिए इतने सवाल काफी हैं। शहर के जिस तरह के हालात हो रहे हैं हम दोनों के पास काम बहुत है। नमस्कार, आते हैं। वैसे टीवी पर कितने बजे दिखाई देगा? 9:30 और रिपीट 10:30। धन्यवाद। पांडे ने तो इन चारों को डकैत बताया लेकिन इनके साथ आपका नाम नहीं जोड़ा। हाँ, हमने भी नोटिस किया इसे। जितना हम इस थानेदार को जानते हैं इसमें जरूर इसका कोई पैंतरा होगा। खैर समय आएगा तो समझ लेंगे। भाई तुम तो आते ही खबर बन गए शहर की, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। हाज मोला? नो सर। अरे हाजमे के लिए अच्छी होती है और चटपटी भी होती है। मैं तो दिन भर में बोतल उड़ा देता हूँ। और उसे हजम करने के लिए एक और बोतल। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों शूटर बच्चा भैया के आदमी थे जी सर, और उन्होंने शिव बाला का मर्डर किया जी। ये बात तुमने मीडिया को क्यों नहीं बताई? सर रिजल्ट नहीं निकलता, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते, कार्रवाई ही चलती रहती। बच्चा भैया जैसे टुच्चों को जेल में ठूसते ठूसते दमदार कानून का दम निकल जाता है। बात तो 100% सही है, हमारा भी ये एक्सपीरियंस है, लेकिन बच्चा भैया जैसे लोगों पे दबाव तो बना रहना चाहिए। कार्रवाई होगी सर, लेकिन कार्रवाई हमारे तरीके से होगी, जैसे आप कहते हैं ना, दबाव बना रहना चाहिए सर। और रबड़ी खिलाते।